नमस्कार, योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खिलाड़ियों के लिए आज हम जो अभ्यास लेकर आए हैं योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में, वो है प्राणायाम के बहुत ही बेहतरीन दो अभ्यास। इन दोनों को अभ्यासों को करने से हमारा जो तनाव है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरी तरह से संतुलित और ऊर्जावान हो जाता है और हमारे शरीर में हम एक बिल्कुल हल्कापन महसूस करते हैं। प्राणायाम के लिए तो कहा गया है कि जो लागवता लाए, यानी कि प्राणायाम लाघवम, यानी कि जो प्राणायाम करने से शरीर में लागव हल्कापन महसूस करें। अगर इसको अभ्यास को खिलाड़ी करते हैं तो उन्हें कभी मानसिक तनाव नहीं होगा, शरीर हल्का रहेगा। जब मानसिक तनाव नहीं रहेगा और शरीर हल्का रहेगा तो एक खिलाड़ी के तौर पर खिलाड़ी अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस अपने खेल में दे सकता है। इसके लिए करना क्या है कि हमें पहले जमीन पर बैठ जाना है। बैठकर कोई भी स्थिति ले लेंगे जो आपको उपयुक्त लगे, आलती पालती मार लें या सिद्धासन बैठे, पद्मासन, वज्रासन। इस स्थिति में बैठने के बाद भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम का आज हम अभ्यास करेंगे। इन दोनों अभ्यासों को करने से क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन सेंस हो वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, तनाव खत्म होता है और शरीर बहुत हल्का हो जाता है। तो पहला जो अभ्यास है भ्रामरी का, भ्रामरी अभ्यास की विधि क्या है, पहले तो अपने कमर गर्दन को सीधा रखें, कंधों को घुमाकर बाहर रखें, हमारी जो जीभ होती है इसको घुमाकर ऊपर के तालू से जो पीछे एक जीभ लटकी सी रहती है वहां पर ले जाकर लगाएंगे ऐसे। जब ये ऊपर लग जाती है ऊपर जाके ऐसे, तो होठों को हम बंद कर लेते हैं, मैं अभी विधि बता रहा हूं। फिर एक गहरा श्वास हम लेते हैं और श्वास लेने के बाद एक भ्रामरी की यानी कि भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से श्वास हम छोड़ते हैं। इस तरह से एक गहरा श्वास लेंगे, यह अभ्यास हुआ भ्रामरी का। इसको करने से एक रिजोनेंस डेवलप होता है, यानी कि स्पंदन महसूस होते हैं हमारे फोरहेड रीजन में और हमारे हेड रीजन में, और काफी आराम मिलता है। इसी को हम षणमुखी मुद्रा के साथ भी करते हैं। इसमें करना क्या होता है कि हमारे अंगूठे से हम कानों को थोड़ा सा दबा लेते हैं और जो बाकी चार उंगलियां उनसे हमारी आंखें और नाक और होठों को हम थोड़ा सा हल्का सा बंद करते हैं और अभ्यास वही होता है आवाज के साथ भी, जीभ को पीछे घुमाकर। तो करना क्या है, पहले षणमुखी अपनाएंगे इस तरह से, गहरी सांस लेंगे, आराम से धीरे धीरे सांस लेते हुए विश्राम। इस अभ्यास को आप लगभग 5 से 7 बार जरूर करें। आप करेंगे आप तुरंत महसूस करेंगे कि आप पूरी तरह से शिथिल, शांत, तनाव मुक्त और एकाग्र हो गए हैं। यह हुआ भ्रामरी का अभ्यास। इसके बाद होता है दूसरा अभ्यास उज्जयी। उज्जयी का मतलब होता है विजय हासिल करना। किस पर विजय हासिल करना, अपने आप पर, अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों के ऊपर। इस अभ्यास को करने समय क्या करना होता है कि हमें एक आवाज निकालनी होती है, नाक से नहीं गले से, एक हल्का सा एक घर्षण पैदा करते हुए वो आवाज होती है सांस छोड़ते और लेते समय। करना क्या होता है कि पहले हम श्वास लेते समय करके दिखाते हैं काम, दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में श्वास लेते हुए आवाज आएगी एक हल्की सी,
फिर श्वास छोड़ते समय? इस तरह से, यानी कि अभी जो गले की, जैसे एक छोटा बच्चा जो सोता है और जो स्नोरिंग करता है वो अलग से ही गले से ही उसकी आवाज आती है। बड़े लोग तो नाक से जोर जोर से खर्राटे भरते हैं, लेकिन छोटा बच्चा होता है वो गले से एक हल्की सी आवाज निकालता है। इस तरह से इसको एक बार और करेंगे हम। इस तरह से कई बार खांसी आ जाती है, तो उससे कभी डरना नहीं चाहिए। खांसी आती है ऐसे खांस लें और फिर से पुनः प्रारंभ करें। तो ये दोनों अभ्यास खिलाड़ियों के लिए काफ़ी उपयोगी है, तनाव कम करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और शरीर को हल्का रखने के लिए। आप इसका अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। खिलाड़ियों के लिए आज योग का जो मंत्र है वो हम लेकर आए हैं, वो बड़ा विशेष है, वो है योग निद्रा। योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है खिलाड़ियों के लिए। योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास है जिसको करने से हमारे शरीर और मन दोनों को बहुत अधिक और गहरे विश्राम और आराम मिलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जब हम सोने जाते हैं, साधारणतः 6 से 8 घंटे एक अनकॉन्शियसली सोते हैं, उसमें हमें 6 से 8 घंटे सोने के बाद भी पूरा विश्राम नहीं मिल पाता है। लेकिन योग निद्रा करने से 30 से 40 सेकंड में वो विश्राम मिल जाता है जो लगभग 4 घंटे की निद्रा के बाद मिलता है। योग निद्रा के लिए आप कहीं से भी इसकी एक रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दे दूं, बिहार स्कूल ऑफ योग के आदरणीय स्वामी निरंजनानंद सरस्वती व सत्यानंद सरस्वती जी के जो योग निद्रा है वो बहुत ही अच्छे योग निद्रा है। उनको अगर आप कहीं से आप लेकर आप सुनेंगे, आप उसको कभी भी कर सकते हैं। जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं बस में, कानों में ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं, या आप खेलने से पहले कभी आपको टाइम मिलता है 20-25 मिनट का, तो आप योग निद्रा कर सकते हैं। तो इस योग निद्रा का आप अभ्यास करेंगे तो आपका पूरा शरीर शांत, शिथिल, तनाव मुक्त रहेगा। आपका तंत्रिका तंत्र इससे बहुत अधिक एक्टिवेट होता है, नींद की कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। आप योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने खेल को अच्छा रखें। नमस्कार।